करता, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सभी जन तालियां बजाकर इन गानों में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक एक आज का दिन, गीत क्रमांक एक आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 23 पिता तेरी वंदना, गीत क्रमांक 23 पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम
प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है कष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है कष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है दुनिया के मदद सब दूर हो जाने पर लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर दुनिया के मदद सब दूर हो जाने पर लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है ईश्वर संतान को आनंददायक है ईश्वर संतान को आनंददायक है हालेलुया 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 गीत क्रमांक 28 जब से प्यारा यीशु आया गीत क्रमांक 28 जब से प्यारा यीशु आया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन
बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया इस जहान की गंदगी से, मुझे छुड़ाया जान देकर इस जहान की गंदगी से, मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा सुबह तारा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 125 मोर मसीहा। गीत क्रमांक 125 मोर मसीहा। मोर मसीहा उहवे सब कर नमन करा सब जन, उहवे आपन मूर्ति कदाता महिमा गवा सभी जन। मोर मसीहा उहवे सब कर नमन करा सब जन, उहवे आपन मूर्ति कदाता महिमा गवा सभी जन। ओ दुनिया का रखवाला प्रभु मालिक होवे जगत का, क्रूस पर दे कर जान आपन उठ कर अइले उदार। ओ दुनिया का रखवाला प्रभु मालिक होवे जगत का, क्रूस पर दे कर जान आपन उठ कर अइले उदार। मसीहा उहवे सब कर नमन करा सब जन, उहवे आपन महिमा गवा सब जन। ओ राजन का राजा प्रभु यीशु हवे अधिपति धरती का, अद्भुत मंत्री प्रभु समर्थि पिता सनातन सबका। पूरा जन का राजा प्रभु यीशु हवे अधिपति धरती का, अद्भुत मंत्री प्रभु समर्थि पिता सनातन सबका। मोर मसीहा उहवे सब कर नमन करा सब जन, ऊंची आवाज में उहवे आपन मुक्ति का दाता महिमा गवा सभी जन। दाता मसीहा शांति और प्रेम का आनंद खुशियन के, एकलौता हवे जग के हाकिम दैवीय चंगाई के।
सियन के एकलौता हवे जग के हाकिम दैवीय चंगाई के मोर मसीहा उहवे सब कर नमन करा सब जन उहवे आपन मुक्ति का दाता महिमा गवा सब जन जो चाहे बन जाए उनकर ग्रहण करा उनके जग का तारण जीवन सत्य नमन करा उनके जो चाहे बन जाए उनकर ग्रहण करा उनके जग का तारण जीवन सत्य नमन करा उनके मोर मसीहा उहव सब कर नमन करा सब जन उहवे आपन मुक्ति दाता महिमा गवा सब जन मोर मसीहा उहव सब कर नमन करा सब जन उहवे आपन मुक्ति दाता महिमा गवा सब जन हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 33 बोलो जय गीत क्रमांक 33 बोलो जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 प्रेम तेरे की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत प्रेम तेरे की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत तेरे प्रेम के गाएगी तेरे प्रेम के गाएगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 क्रूस पर अपना खून बहा मुझे पापी को दी क्षमा क्रूस पर अपना खून बहा मुझे पापी को दी क्षमा मन मेरे तू बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे हिंद में तेरा नाम रहे हिंद में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो
जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 हालेलुया 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 गीत क्रमांक 98 मेरे यीशु गीत क्रमांक 98 मेरे यीशु मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मासलहु अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा अपना देखे प्रभु पूरन करो जीवन मेरा भूखे जो आए ते सुन ले वचन तूने उन्हें भोजन दिया प्यासे जो आए ते सुन ले वचन तूने उन्हें पानी दिया मेरे यीशु से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मासलहु अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा निर्धन जो आए थे सुन ले वचन तूने उन्हें धन दे दिया निर्बल जो आए थे सुन ले वचन तूने उन्हें फल दे दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा अपने इस दिल में तेरा मासलहु अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा गूंगे जो आए ते सुन ले वचन तूने उन्हें स्वर दे दिया अंधे जो आए ते सुन ले वचन तूने दर्शन दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मासलहु अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मासलहु अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा पूरन करो हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा मैं तेरी सच्चाई
जाई पीढ़ी से पीढ़ी तक सताता रहूंगा सताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है वाचा बांधी है। मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है वाचा बांधी है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। यहोवा स्वर में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है प्रशंसा होती है। यहोवा स्वर में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है प्रशंसा होती है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है चारों ओर है। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है चारों ओर है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है राजा हुआ है राजा हुआ है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है राजा हुआ है राजा हुआ है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। ऊंची आवाज पे यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और सभी जन अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, हम उस परमेश्वर की नाच गाकर स्तुति करने वाले हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा उठाओ और जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। नाचते हुए गाते हुए प्रभु की स्तुति करो, पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करो। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।
गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया जिसने तुमको बनाया जिसने सबको बनाया वह परमेश्वर हमारे साथ है। ऊंची आवाज में गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो यीशु को तुम अपनाओ पापों से माफी तो मांगो हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं ऊंची आवाज में हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार देव बापाचा जय जयकार करा देव बापाचा जय जयकार देव बापाचा जय जयकार करा देव बापाचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा देव बापाचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा देव बापाचा जय जयकार देव आत्म्याचा जय जयकार करा देव आत्म्याचा जय जयकार देव आत्म्याचा जय जयकार करा देव आत्म्याचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा देव आत्म्याचा जय जयकार त्रैक्याचा जय जयकार करा पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार करा पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार करा यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार यीशु नामाचा जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नाचे गाई के महिमा गाई प्रभु यीशु के
खुशियां मनाए नच गाएंगे महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नच गाएंगे महिमा गाए ऊंची आवाज में नाच गाकर प्रभु की स्तुति करो हालेलुया 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 यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खाति दे देले जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खाति दे देले जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खाति दे देले जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खाति दे देले जान हालेलुया 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 यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावेला दाग यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावेला दाग यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावेला दाग यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावेला दाग हालेलुया 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 यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान हालेलुया 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 महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नच गाएंगे महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नच गाएंगे महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नच गाएंगे महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नच गाएंगे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तो प्रभु कितना महान है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तो प्रभु कितना महान है नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना आपसे नहीं डरना सदा तेरे साथ सियो की मांद में डाल दिया जाए तभी न घबराना आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तभी न घबराना सियो की मांद में डाल दिया जाए तभी न घबराना आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तभी ना घबराना आंखों की पुतली समान वो संभाले हाथों में वो तुझे थामे रहेगा आंखों की पुतली समान वो संभाले हाथों में वो तुझे थामे रहेगा नहीं डरना
इमानुएल सदा तेरे साथ है। ऊंची आवाज में इमानुएल सदा तेरे साथ है। साथ में तेरे कोई ना होवे कभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना होवे कभी ना घबराना, साथ में तेरे कोई ना होवे कभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना होवे कभी ना घबराना। रखा जो तुझको साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा, हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। नहीं डरना से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तो प्रभु कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तो प्रभु कितना महान है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग खड़े ही रहिए और पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हा हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
तारी नाम लियो रे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान हमारे जीवते परमेश्वर को, जो युगानुयुग है, जो था, जो है और जो रहने वाला है, वो कभी मरता नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होता। इतना वो महान विराट परमेश्वर है, जिसका नाम बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर है। हाँ, वो सेनाधीश परमेश्वर है, उसके पास सेना है सब दूतों की, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धन्यवाद दीजिए। वो इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है कि वो स्वर्ग में विराजमान है और वहाँ से वो मनुष्य को हर जरूरतों को पूरा करता है। उसने स्वर्ग में बैठकर पूरे विश्व को निर्माण किया। देखिए उसके शब्दों में इतनी ताकत थी। आज हम देख रहे हैं ये सुंदर हरियाली, ये सुंदर पेड़ पौधे, ये सब अनेकों प्रकार के फूल, ये सब कुछ वो यहोवा परमेश्वर ने निर्माण किया है। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसके नाम का भजन कीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए और उसके नाम का जय जयकार कीजिए, क्योंकि वो इतना महान है कि सब कुछ केवल उसने शब्दों से निर्माण किया। इतना ही नहीं, सुंदर झरने, नदियाँ, तालाब, ये इतना बड़ा फाट समुद्र और ये समुद्र में अनेकों प्रकार की मछलियाँ, जीव जंतु, ये सब कुछ हमारे महान परमेश्वर ने निर्माण किया है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए इतना सुंदर शरीर देकर उसने हमें आशीषित किया है। सोचिए अगर हमें आँखें ही ना होती तो इस सुंदर विश्व को हम कैसे देखते, अगर हमारे पास मुँह ही ना होती, जबान ही ना होती, तो हम उस महान परमेश्वर की स्तुति कैसे करते, अगर हमारे पास हाथ ही ना होता तो उस महान परमेश्वर के लिए हम अपने हाथों को कैसे ऊंचा उठाते। इसलिए इसके बदले उसे धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर के बदले उसे धन्यवाद दीजिए, अपने सुंदर शरीर के बदले उसके नाम की महिमा कीजिए। देखिए वो जो परमेश्वर है, उसके विषय में बाइबल कहती है कि उसके लिए नया गीत गाओ और भजन करते हुए, नाचते हुए उसके नाम की महिमा करो। इसलिए एक बार जोर से तालियां बजाओ और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अहो प्रभु लानवे गीत गा, सर्व पृथ्वी प्रभु लागा। अहो प्रभु लानवे गीत गा, सर्व पृथ्वी प्रभु लागा। आहा ओ आहा ओ
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच में उसके लिए जितना हम भजन करेंगे, जितनी हम उसकी स्तुति करेंगे, उतना कम है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में उसने एक या दो आशीर्वाद नहीं भेजे, उसने बल्कि हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीषों से भरपूर कर दिया है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। सोचिए, अगर आप प्रभु के पास आते ही ना, तो आपका जीवन कैसा था और आगे जाकर कैसा हो जाता, अगर उस प्रभु ने आपको ठीक समय पर नहीं संभाला होता, ठीक समय पर उसने आपके हाथ को नहीं थामा होता, तो आपका जीवन कैसा होता, हम सबका जीवन कैसा होता। हम सब तो पूरी तरह से ख़त्म होने वाले थे। हमारे जीवन में जब कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं थी, उस समय पर प्रभु येसु ने हमारे जीवन को बचा लिया। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। जब आप बहुत बीमार थे, जब आपके दुखों के समय कोई नहीं था, तब सोचिए वो प्रभु आपके जीवन में आपके जख्मों के ऊपर मलहम बनकर आया और उसने आपके जख्मों को भर डाला, उसने आपके आत्मा को ताजा तवाना किया, उसने आपके दिल को नया बना दिया। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। वो हमारा वैद्य है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मुक्तिदाता है और वही हमारा जीवन दाता है। उस प्रभु येसु को धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। उसने केवल हमें एक नहीं, दो नहीं तो हजारों आशीषों दिए। उस आशीषों को हम कभी गिन नहीं सकते। सोचिए, दिन भर में हमें कितनी चीज़ों की जरूरत लगती है, हम कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मन के अंदर इच्छाएं रखते हैं, वो सब कुछ प्रभु सुनता है और ठीक समय पर हमारे जीवन में हमें उत्तर देता है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। अपने नए जीवन के बदले, अपने दिल के नए बन जाने के बदले उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। सच में वो दाविद राजा कैसे परमेश्वर की धुन में पागल हो जाता था और वो उसके लिए नाचता था, क्योंकि वो अपनी आत्मा से परमेश्वर को हमेशा देखा करता था। इसीलिए तो वो दाविद राजा का नाम आज तक है, क्योंकि वो दाविद राजा के दिल में प्रभु बसता था। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु की आराधना, उसके उपास ना, उसकी स्तुति करने वाले जब दिल से उसकी स्तुति करते हैं, उस जगह पर वो परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और वो अपने सामर्थ्यों से वहां पर भर देता है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू महान है, तू अच्छा है, तू पराक्रम करने वाला हमारा यहोवा पिता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु येसु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा राजा है, तू हमारा मुक्तिदाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर उस प्रभु येसु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बजा के ताली गाओ रे, येसु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, जाके ताली गाओ रे, येशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। जाके ताली गाओ रे, येशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। हालेलुया, हालेलुया।
गाली गाओ रे येशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गाल उनका गाओ रे बजा के ताली गाओ रे येशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति ताली गाओ रे येशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उनका गाओ रे बजा के ताली गाओ रे येशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उनका गाओ रे हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर कोई अपना मुंह खोले और उस प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु। आप इस समय जहां कहीं भी हो, बस उसके नाम को दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल हमारे होठों का बलिदान जो उसको प्रिय रहता है। जितने लोग सच्चे दिल से उसको धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में वो बहुतायत से आशीष भेजता है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए उस प्रभु ने हमारे लिए कितने सारे दुखों को सहन कर लिया है। उसके दुखों को याद कीजिए। वो इतना महान प्यार से भरा है कि उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार की कोई मर्यादा नहीं है, इतना वो हमसे प्यार करता है। हमारे लिए उसने चाबुक की मार खाई, क्रूस का भार उठाया, क्रूस पर वो मर गया, दो चोरों के बीच में उसको लटकाया गया। हाँ, ये उसका प्यार था। उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। इतना प्यार हम पर कोई नहीं कर सकता। हाँ प्रभु। जितना उस प्रभु ने हम पर किया है। हाँ प्रभु। जितना उस प्रभु ने हम पर प्यार किया है, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का पुत्र होकर भी हमारे लिए उसने मनुष्य का रूप लिया और हमारे लिए वो क्रूस पे मरा। वो ना मरता तो हम सबको जीवन ना मिलता। जीवन का मार्ग दिखाने के लिए उसने खुद मौत को चुन लिया। उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। उसके प्यार की गहराई के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। हम उसके प्यार को कभी समझ नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है कि वो परमेश्वर के प्यार को जान सके। बस केवल अपने मुंह से उसे धन्यवाद देते रहिए। उसे धन्यवाद देते रहिए। उसे धन्यवाद देते रहिए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम
अभी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए सभी लोग घुटने पर आ जाइए। घुटने पर आकर अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। उस महान परमेश्वर के सामने नम्र हो जाइए और आत्मा से उसकी आराधना कीजिए। वो पिता परमेश्वर की आराधना कीजिए, उस प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, उस पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए। क्योंकि देखिए वो सच्चा है, वो जीवित है, वही प्रभु है, उसकी आराधना कीजिए। स्वर्गीय पित्या तुला सन्मान, तुझा गौरव तुझी आराधना। स्वर्गीय पित्या तुला सन्मान, तुझा गौरव तुझी आराधना। गौरव सनातन, गौरवशाली महान पिता, दया तुझी सनातन। प्रभु येसु तुला सन्मान, तुझा गौरव तुझी आराधना। ऊंची आवाज में बोलिए, तुला सन्मान तुझा गौरव तुझी
स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु को देखिए जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया। हाँ वो दुर्बल था, कमजोर था, इसीलिए वो क्रूस पे नहीं मरा, या उसने कुछ पाप किया था इसीलिए वो क्रूस पे नहीं मरा, तो बल्कि हम सब के पापों से हमें छुटकारा देने के लिए वो प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मर गया है। संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर जान दी है। और देखिए वो निष्कलंक पवित्र परमेश्वर का पुत्र खुद परमेश्वर है, इसीलिए तो वो मौत पर, वो मौत को हरा कर उसने तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो उठा है। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। देखिए हमारा प्रभु फिर से जीवित हो गया है और वो आज भी जीवित है। आज भी वो अपने लोगों को, जितने लोग उससे पवित्र आत्मा मांगते हैं, उन सबको वो पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस प्रभु से कहिए, वो आपको आज पवित्र आत्मा से भर देगा। बुलाइए उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, छू ले हम सबको, छू ले हम सबको। आ पवित्र आत्मा, अपना सामर्थ्य लेकर आ, अपना ज्ञान लेकर आ, अपनी बुद्धि से हमें भर, अपने प्रेम से हमें भर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, छू ले सारे भाई बहनों को, छू ले सारे भाई बहनों को। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा
मुझे दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे शक्ति मुझे दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे मुक्ति मुझे दे दे मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु येसु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु येसु, धन्यवाद प्रभु येसु। हालेलुया हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखें लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से लेकर आगे। लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पे बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर दो बहनों की कहानी बताई है, सत्य घटना। प्रभु यीशु किसी एक गांव में गया था और वहाँ पर मार्था नामक एक महिला थी, एक स्त्री थी, जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी दूसरी एक बहन थी। जब प्रभु इनके घर में बैठा था तब मार्था सेवा करने में व्यस्त हो गई थी और मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी। जब ये चल रहा था तब मार्था सेवा करते हुए वो बहुत परेशान हो गई और वो प्रभु के पास आकर ये बोलने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्या तुझे कुछ भी परवाह नहीं है कि मेरे बहन ने सब बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है? जब उसने प्रभु यीशु के पास यह शिकायत की, प्रभु ने उसे कहा, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, चिंतित होती है और घबराती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को जिसे मरियम ने चुन लिया है वह उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल देश में इंसान के रूप में था, वो गांव गांव नगर नगर जा रहा था और वहां पर जो जो घटनाएं हो रही थी उनमें से कुछ कुछ घटनाएं प्रभु के चेलों ने लिखकर रखी है। और उनमें से एक महत्वपूर्ण यह घटना है मार्था और मरियम की कहानी। गए 2000 वर्षों से संसार भर में यीशु पर विश्वास करने वाले लोग इस घटना को पढ़ते हैं। 2000 वर्ष से इसे बाइबिल में लिखा गया है और जो जो बाइबिल को पढ़ते हैं वो इस घटना को पढ़ते हैं। क्यों प्रभु ने इस घटना को बाइबिल में लिखकर रखा है? क्योंकि ये कोई साधारण या मामूली घटना नहीं है, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, परंतु ये पूरे मानवता की कहानी है। मार्था और मरियम, इन दोनों की जो कहानी यहां लुका ने लिख रखी है, ये पूरे मानवता की कहानी है। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने इसको बाइबिल में लिख रखा है ताकि जितने जीवित परमेश्वर के संदेश को पढ़ेंगे वे इस कहानी को भी पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हम इसमें कहां पर हैं और हमें इससे क्या सीखना है। क्योंकि मैंने आपको कहा ये दो बहनों की केवल कहानी नहीं है, परंतु ये पूरे मानवता की कहानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप यहाँ बड़े शांति से बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई भाई बहन YouTube पर लाइव देख रहे हैं, वहाँ पर भी वो सुन रहे हैं। आपके आसपास के या घर के ऐसे कोई लोग होंगे जिनको आपके ऊपर बड़ा गुस्सा आ गया है, सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आकर बैठे हैं, सारा काम धंधा छोड़कर तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इससे भला कुछ तो मेहनत करो, इससे भला कुछ तो काम करो। मार्था और मरियम की कहानी ये पूरी मानवता की कहानी है। मार्था ने खुद यीशु को अपने घर बुलाया और वचन में लिखा गया है वो सेवा करने में व्यस्त हो गई। सेवा, प्रभु की सेवा करने में, प्रभु की सेवा करने में वो पूरी तरह से मगन हो गई। और उसकी बहन थी मरियम, वो भी प्रभु की सेवा ही कर रही थी, पर अलग माध्यम से, अलग रीति से। वो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठ रही थी और यीशु के वचनों को सुन रही थी। जैसे कि आज आप भी काम धंधा छोड़कर परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं और उसके वचनों को सुन रहे हैं, वैसे ही मरियम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठी थी और यीशु के वचनों को सुन रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ और यदि मेरी बातों के द्वारा आपके दिल को परमेश्वर का स्पर्श हो रहा है और मेरी बातों के द्वारा यदि आपके हृदय में कुछ तो शांति आ रही है, कुछ तो तसल्ली हो रही है, तो बताइएगा जब यीशु खुद बैठा था और बता रहा था तब मरियम के दिल में क्या हुआ रहेगा। यीशु खुद बैठा है और वो खुद बोल रहा है। मैं जो आपको बता रही हूं बातें मेरी नहीं है, बातें परमेश्वर की है, पर मैं एक साधारण व्यक्ति हूं बिल्कुल आपकी तरह, तो भी मेरे द्वारा परमेश्वर जो बोल रहा है उन बातों से आपके दिल को तसल्ली हो रही है, शांति हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है और आप बड़े शांति से सुन रहे हैं। तो जब यीशु खुद बैठा था और मरियम उसके चरणों के पास बैठी थी, प्रभु की ओर देख रही थी, मैं तो ये समझती हूँ बस जब वो प्रभु के चेहरे को देख रही थी उसे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं था, वो उसका जीवन दाता था, मालिक था, स्वामी। वो जब प्रभु की ओर देख रही थी, प्रभु की ओर देखने से ही उसके दिल में
हृदय में बड़ी शांति आ रही थी। और जैसे जैसे प्रभु सिखा रहा था, वचन बता रहा था, मरियम उस बातों में इतनी मगन हो गई थी, इतनी मगन कि उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि मेरी बहन कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मार्था का क्या चल रहा था? वो भी सेवा कर रही थी प्रभु की, वो शायद रसोई घर में खाना पका रही होगी, प्रभु के लिए कुछ नाश्ता बना रही होगी या और कुछ कर रही थी, पर वो सेवा करते करते थक गई, परेशान हो गई और उसे इस बात का बड़ा गुस्सा आने लगा कि मेरी बहन वहाँ चुपचाप बैठी है, बिना कुछ काम धंधा किए, बिना मेरी सहायता की, बिना मेरी मदद की वहाँ खाली बैठी है और मेरी कितनी हड़बड़ी हो रही है, मैं कितनी थक चुकी हूँ। और वो जाकर प्रभु के पास उसकी शिकायत करने लगी। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है? जो परमेश्वर पूरे संसार की चिंता करता है उसे वो बोल रही है, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझ अकेली पर सारा बोझ डाल दिया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं सोचती हूँ संसार में कितने कितने तरीके के लोग हैं, लोगों के कैसे कैसे विचार हैं, कैसे कैसे चाल चलन है, परमेश्वर संसार को कैसा संभालता होगा। पति पत्नी दो बच्चे होते हैं तो भी वे बड़े परेशान होते हैं, दो बच्चे, बार बार उनको समझाते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, आपस में लड़ते हैं, माँ बाप की सुनती नहीं है, सुनते नहीं है। दो बच्चों को संभालने के लिए माँ बाप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मुझे एक बात याद आती है, अपने केंद्र में एक परिवार आता था, परिवार बोले तो पति पत्नी दोनों ही थे, उनको बच्चे नहीं थे, शादी को 10-12 साल हो चुके थे, उनको बच्चे नहीं थे। प्रभु में आने के बाद भी तुरंत उनको बच्चा नहीं हुआ, मुझे लगता है 3-4 साल वे विश्वास में बने रहे, अंत में उस बहन के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो गया और प्रभु ने उनको लड़का देकर आशीषित किया, इनको लड़का हो गया। उसके बाद दोबारा ये ब्रदर के पास आशीष लेने के लिए गए। उसके पहले वो अपने पति को बोलती थी, मैं ब्रदर को कहूंगी मुझे दोबारा आशीष दीजिएगा कि अभी मुझे बेटी हो जाए। तब उसका पति बोलता है, नहीं नहीं नहीं, बस हो गया एक लड़का, इसको संभालने में हमारी पूरी जिंदगी जाएगी, अभी दूसरी लड़की हो जाएगी तो उसका भी कितना खर्चा होगा और कितना सब उठाना पड़ेगा, मत कहो ब्रदर से। वो कहते नहीं मैं कहूंगी, और गए ब्रदर के पास आशीर्वाद लेने के लिए। उसने ब्रदर से कहा, ब्रदर ने आशीर्वाद दिया, 9 महीने के बाद बेटी लेकर आई मंच पर गवाही देने के लिए और सबों के सामने माइक पर से उसने बात बता दिया कि मेरे पति भी थे मंच पर, वो गर्दन नीचे करके खड़े थे, मेरे पति मुझे बोल रहे थे बस हो गया एक बेटा, अभी बेटी के लिए प्रार्थना मत करो, ब्रदर से मत कहो, कितना बड़ा बोझ हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ एक पति पत्नी एक बेटे को बोझ समझ रहे हैं, तभी समझ में आ गए 12 साल प्रभु ने उनको बच्चा क्यों नहीं दिया, इनका दिल बहुत छोटा था। कई पति पत्नी को मैं कहती हूँ जिनको बच्चे नहीं है, मैं उनको कहती हूँ आप रास्ते पे जो बच्चे दिखते हैं ना उनको खाना खिलाओ, उनसे प्रेम करो, आप दूसरों से प्रेम करोगे प्रभु देखेगा तो प्रभु आपको बच्चा देकर आशीषित करेगा। आपका दिल बड़ा बनाओ। आप मुझे बताओ परमेश्वर का दिल कितना बड़ा होगा। एक व्यक्ति सोचता है कि बेटा बस हो गया, बेटी नहीं चाहिए, दूसरा बेटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो दो बच्चे रहेंगे उनका पढ़ाई का कितना खर्चा हो जाएगा और जिंदगी भर। और ऐसा भी नहीं था कि वो गरीब थे, उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, अच्छा परिवार था, पर तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक ही बेटा बस हो गया। तो बताइएगा परमेश्वर पूरे संसार को कैसा संभालता है। एक पत्नी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती है, शिकायत करती है परमेश्वर के पास, पति गुस्सा करता है पत्नी के ऊपर, शिकायत करता है परमेश्वर के पास,
हर कोई अपनी अपनी बाजू परमेश्वर के सामने रखता है। प्रभु हर एक को कहता है, हाँ बेटा मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ। उससे कहता है, हाँ बेटी मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ। वो हर एक की बात को बर्दाश्त करता है, पूरे संसार की वो परवाह करता है। और ये मार्था उसे बोल रही है, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी पड़ी नहीं है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं कितनी थक चुकी हूँ। मेरी बहन देखो बिना कुछ काम किए तुम्हारे पास यूं ही बैठी हुई है, उसने सारा बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है, क्या तुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उसे लगा कि प्रभु गुस्सा करेगा मरियम के ऊपर और उसे कहेगा जाओ 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 अपनी बहन की मदद करो। हाँ प्रभु हमें जरूर कहता है दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, पर हर बात का एक वक्त होता है। जब वचन सुनना है वचन सुनो, सेवा करना है सेवा करो, रोने का समय है रो, हंसने का समय है हंसो। हर बात का समय होता है, काम करने का समय है काम करो, मेहनत का समय है मेहनत करो, प्रार्थना का समय है प्रार्थना करो, हर बात का एक नियुक्त समय होता है। उसे लगा कि प्रभु तुरंत भेज देगा, प्रभु उसे कहता है मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंतित होती है और घबराती है, बहुत बातों के लिए सोचती है, बहुत बातों को लेकर परेशान होती है, पर तुझे बहुत बातों की आवश्यकता नहीं है, एक ही बात की आवश्यकता है, उस उत्तम भाग को। जो एक भाग एक चीज आवश्यक है उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और वह उससे छीना न जाएगा, यानी तुम्हारी कहने से मैं उसे नहीं भेजूंगा। उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, खुद चुना है, तुम्हारे कहने से वो उत्तम भाग मैं उसके पास से छीन नहीं लूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने आपको क्यों कहा कि ये दो बहनों की कहानी नहीं है परंतु पूरे मानवता की कहानी है। दुनिया के बहुत सारे लोग मार्था की तरह होते हैं, जो बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, हड़बड़ी करते रहते हैं। चिंतित होना, परेशान होते जाना, थक जाना, ये दुनिया के बहुत सारे लोगों का स्वभाव है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसने हमारे लिए क्या नियुक्त किया है, ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये परमेश्वर के पास से सीखते नहीं हैं और यूं ही सब करते बैठते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है तो उस जीवन दाता के सामने बैठकर उसे पूछना है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से रास्ते पे जाना है कौन से रास्ते पे नहीं जाना है। पूछते नहीं है, बिना पूछे बिना सलाह लिए बिना परमेश्वर की योजना को सोच समझे अपने ही दिमाग को लगाकर काम करते जाते हैं, मेहनत उठाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर थक कर प्रभु के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या तूने मुझे इतना कष्ट भरा जीवन दिया है, क्यों दिया, मेरे जीवन में कितना सारा कष्ट है कितना सारा बोझ है। प्रभु कहता है मैंने तुझे ये बोझ नहीं दिया है, तूने खुद उसे उठाना पसंद कर दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि ये बोझ मैंने नहीं दिया है, तुमने खुद इसे उठाना पसंद किया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन की हर बात हमें परमेश्वर से सीखनी है, हर बात के लिए उसके सामने आना है, बैठना है, पूछना है, उससे सीखना है। जब हम उससे सीखते हैं, उसके मार्ग को उसके रास्ते को और उसकी योजना को समझते हैं, हमारा भार बहुत हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। जब परमेश्वर से समझते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण बाइबल में है कि एक बार कई लोग आकर प्रभु यीशु के चेले को पतरस को पूछने लगे तुम्हारा प्रभु मंदिर का कर देता है या नहीं देता है। पतरस ने कहा हाँ देता तो है, और वह अंदर घर में गया, वहाँ प्रभु बैठा था। प्रभु ने उसे कुछ सवाल किया,
मुझे बताओ कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपनों से या परायों से? उसने कहा परायों से। पतरस ने कहा परायों से। तो प्रभु कहता है इसका मतलब अपने तो छूट गए, तो भी हम इनके लिए कोई रुकावट ना बने, इनको हम ठोकर का कारण ना बने, इसलिए जाओ समुंदर में बंसी डालो और जो पहली मछली बाहर आएगी उसका मुंह खोल देना, उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिल जाएगा, उसे निकाल लेना और तुम्हारा और मेरा कर भर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब रास्ता पैसा कमाने का, अजीब रास्ता मंदिर का कर भरने का, पर ये पतरस होशियार था इसलिए प्रभु के पास आया, वरना बाहर उसको लोगों ने पूछा तुम्हारा प्रभु मंदिर का कर भरता है या नहीं भरता है, पतरस डर जाता, हाँ भरता तो है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा और फिर बाजार में जाऊंगा, कुछ तो मछली बेचूंगा या और कुछ करूंगा या किसी के पास से मांगूंगा। ये नहीं किया, वो प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे कुछ सवाल किया और रास्ता बताया। प्रभु का रास्ता अजीब रास्ता था, समुंदर में जाकर बंसी डालने का, जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोल देने का। वैसे तो पतरस भी मछुआरा था, सालों साल उसने काम किया था, अपनी जिंदगी में उसने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया होगा किसी मछली के मुंह में पैसा मिलता है, पर प्रभु ने कहा इसलिए वो गया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने किया, फिर जैसा प्रभु ने बोला था वैसा ही उसने पाया, वो सिक्का निकाला और जाकर कर भर डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने जीवन में चिंतित क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रभु के मार्ग को नहीं जानते हैं, प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं। जिसने हमें धरती पर भेजा है वो हमारे लिए क्या चाहता है ये नहीं समझते हैं। आप इस बात का विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमारे लिए, आप में से हर एक के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है, हर मनुष्य के लिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इतने ही लोगों से प्रेम करता है, इतने लोगों से नफरत करता है, नहीं, वो हर एक से प्रेम करता है और हर एक के लिए उसने अलग अलग योजना बनाई है। हर योजना हर एक की भलाई के लिए है, फायदे के लिए है, पर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते को चुनते नहीं हैं, हम अपने ही रास्ते से भागदौड़ करते रहते हैं। हालेलुया। और फिर परेशान होने के बाद परमेश्वर को दोष लगाते हैं। बहुत साल पहले एक जवान औरत प्रार्थना में आती थी, उसकी शादी हुई थी और शादी के एकदम थोड़े ही समय बाद किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। वो एकदम जवान थी, 23-24 साल की शायद रहेगी, और उसके बाद वो प्रार्थना में आने लगी अपने सहेली के साथ। जब वो प्रार्थना में आने लगी तब उसकी उम्र 26-27 कुछ तो थी, और वो हमेशा मुझे कहती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं एक विधवा हूँ, इतनी जवान उम्र में मैं विधवा बन गई हूँ और मेरे माँ बाप भी गरीब है, मुझे संभाल नहीं सकते हैं। हमेशा वो अपनी कहानी बताती थी और मैं उसे बताती थी कि तुम प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। कुछ महीने तक वो प्रार्थना में आती रही और एक बार वो मेरे पास आकर मुझे ये बताने लगी कि मेरे पड़ोस का एक लड़का है, वो शादीशुदा नहीं है और वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने और आगे 2-3 कुछ बातें बताई। सब सुनने के बाद मैंने उससे कहा, बहन जी ये प्रभु की ओर से नहीं है, आप उसका विचार छोड़ दो, आप प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको सही समय आने के बाद योग्य व्यक्ति देगा, ये लड़का प्रभु ने आपको दिया हुआ नहीं है। अगली बार वो आ गई, दोबारा वही बात। तीसरी बार आ गई, फिर से वही बात। उसे ये कहना था कुछ भी करके सिस्टर हाँ बोल दो कि मैं उसके साथ शादी करूँ। कई कई लोग इसके लिए हमारे पीछे पड़े रहते हैं। एक जवान लड़की तो आके मेरे पैर पकड़ रही थी। मैंने कहा मैं तो भगवान नहीं हूँ, परमेश्वर नहीं हूँ कि मेरे पैर पकड़ के बोलो मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोलो। आशीर्वाद देने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं हूँ। मैंने हाथ रखा पर उसने आशीर्वाद नहीं दिया तो फायदा क्या है?
ये बार बार मेरे पास आकर बोलती थी, वो लड़का अच्छा है, वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे वैसा बोलता है, हर बार प्रार्थना में आने के बाद बोलती थी। और मैं हर बार उससे कहती हूँ, मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं है कि तुम इसके साथ शादी करो। अंत में आगे क्या हो गया मुझे पता नहीं, पर वो प्रार्थना में दिखाई देना बंद हो गई। जो सहेली उसके साथ आती थी वो तो आती रही। 8-10 महीना के बाद उसकी सहेली मुझे प्रार्थना में मिली, तब मैंने उसको कहा कि आपकी वो सहेली जो विधवा हो गई थी वो प्रार्थना में दिखाई नहीं देती है। उसने कहा, सिस्टर जी उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो कहती, आपने उससे कहा था ना उस लड़के के साथ शादी मत करो, उसने सुना नहीं, उसकी शादी हो गई उस लड़के के साथ, और बाद में उसने उसको इतना तंग किया है, उतना परेशान किया है, वो उसको प्रार्थना में तो बेचता ही नहीं है पर बहुत मारपीट करता है, बहुत सताता है, और अभी उसका बहुत बुरा हाल हो गया है, और वो अभी प्रभु को दोष लगाकर बोलती है, प्रभु ने मुझे ऐसा पति क्यों दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन बताती है कि मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, प्रभु को दोष मत लगाओ, क्योंकि केंद्र में सिस्टर ने आपको बोला था ये लड़का प्रभु की ओर से नहीं है, तुम रुको, इंतज़ार करो, प्रभु में बने रहो, प्रभु सही लड़का देगा, तुमने सुना नहीं, अभी प्रभु को दोष क्यों लगा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद ही अपने रास्ते को कठिन बनाते हैं ये सोच कर कि हमें अपना सोचना चाहिए, और कौन सोचेगा? परमेश्वर कहाँ है, वो क्या करेगा? कई लोग प्रार्थना तो जरूर करते हैं पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं और परमेश्वर से सीखते नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान को, योजना को, मार्ग को समझते नहीं है, हड़बड़ी करते रहते हैं जैसे मार्था हड़बड़ी कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझो मकान की जरूरत है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साल मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मुझे खुद का मकान चाहिए, किराए के मकान में रहकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और अचानक आपके सामने एक प्रपोजल आता है, एक मकान है, अच्छा है और एकदम कम दाम में आपको मिल रहा है, आप गए, देखा, आपको अच्छा लगा, आपने तुरंत पैसा भी भर दिया, और फिर पता चला कि आपको फंसाया गया है, ये घर और 4 लोगों को बेचा गया है। आप बोलेंगे, प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों फंसाया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मत बोलो, जब आपको किसी ने घर दिखाया क्या आपने घुटना टेका? क्या आपने प्रभु से पूछा, ये घर तूने दिया है या नहीं दिया है, मुझे बताओ, घर कितना खूबसूरत है, पेंट कितना अच्छा है, कमरा कितना बड़ा है, बाथरूम कितना अच्छा है, रसोई घर कितना अच्छा है, सब अच्छा 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 देखा, पैसा भी आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं भर सकता हूँ, पर यह अच्छा नहीं देखा कि क्या ये मुझे प्रभु ने दिया है, क्या ये प्रभु की योजना है, क्या ये प्रभु की इच्छा है। कई लोग अपने कम तनख्वाह की नौकरी को छोड़ देते हैं, उनको भारी पगार की नौकरी की ऑफर आ जाती है, यहाँ कम पगार है वहाँ ज़्यादा पगार है, तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत वहाँ भाग जाते हैं, और वहाँ भाग जाने के कुछ समय के पश्चात बड़ा पछतावा करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, फिर उनको लगता है मेरी पुरानी नौकरी कम तनख्वाह की थी पर वो अच्छी थी, प्रभु ने मुझे ऐसी नौकरी क्यों दी? नहीं, ये प्रभु ने नहीं दी है, यह आपकी हड़बड़ी है, यह आपकी गलती है कि आपने प्रभु से पूछा नहीं ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मकान लेना है, किसी ने आपको 4 मकान दिखाए हैं, आप जाकर कौन से मकान का पेंट अच्छा है ये मत देखा करो, कौन से मकान का रसोई घर बड़ा है ये मत देखा करो, आप 4 मकान देखकर आए ना, अभी घर में प्रभु के सामने घुटना टेको, घुटना नहीं टेक सकते कम से कम बैठो तो प्रभु के सामने और पूछो, प्रभु ये 4 में से किसी मकान को आपने दिया होगा तो मुझे दिखाओ, मुझे इनमें से किसी मकान को लेना है तो दिखाना, नहीं लेना है तो ये भी दिखाना, प्रभु से पूछो, वो हमारा जीवनदाता है, प्रभु आपको दिखाएगा ये घर इनमें से
चार में से ये घर है ये मैंने तुझे दिया है, ये ले लेना। आप उस घर को लेने जाएंगे, आपका व्यवहार हो जाएगा, आप उस घर में अपने परिवार के साथ शांति से रहेंगे, कुछ समय के पश्चात जानेंगे सचमुच ये घर मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अभी एक बहन ने गवाही दी, उसका सोने का गहना घर में गुम हो गया था। पूरा घर ढूंढा, सारे घर के लोग ढूंढ रहे थे, पूरा घर ढूंढा, कपाट, बिस्तर, जितने सारे ड्रॉवर थे, जो भी था, और जो ढूंढना नहीं चाहिए वो भी कभी कभी लोग ढूंढते हैं, शक्कर का डिब्बा भी खोल कर देखते हैं। सब ढूंढा, कहीं नहीं मिला, घर के सारे लोग तंग हो गए। ये बहन बताती, मेरे पति तो बहुत निराश हो गए, इतना गहना गया कहाँ पर। फिर उसने घुटना टेका, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अभी हम थक गए, बताओ कहाँ पर है। इतने में उसके आँखों के सामने घर के अलमारी में एक थैली थी, वो दिखाई दी। वो फटाक से उठी, उस थैली को खोला, नीचे वो सारा गहना रखा हुआ था। अभी ये बहन कहती है कि इस थैली को मेरे पति ने पहले ही खोला था, हमने खोला था, देखा था, पर वो एकदम नीचे था, नजर नहीं आया। कब नजर आ गया? जब वो प्रभु के सामने आ गई और कहा, अब थक गए, बताओ। तब प्रभु ने वो थैली दिखाई। अपने केंद्र के एक भाई के साथ अभी अभी हो गया, एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर था वो गुम हो गया, अपने केंद्र का पेपर था गुम हो गया। हम सब हर जगह ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। अंत में मैंने उनको कहा, आप फिर एक बार जरा आपके अलमारी में देखा करो, शायद आपके पास ही पड़ा रहेगा। उन्होंने पहले ही अपने अलमारी को देखा था, उसमें नहीं था। तो मेरे दोबारा बताने के बाद उसने प्रभु के पास प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, आँखें बंद की, आंखें बंद की, तब प्रभु ने उनके अलमारी में एक फोल्डर था वो दिखाया। फटक से उठे, फोल्डर को खोला, उसी में वो पेपर मिल गया। अभी ये भाई बोलते हैं कि जब मैं ढूंढ रहा था पहले भी, तब भी मैंने इस फोल्डर को खोला था, मुझे दिखा नहीं था। आप जानते हैं कई बातें हमारे सामने भी होती है, पर शैतान हमें अंधा करता है कि हम ना देखें, हम थक जाए, परेशान हो जाए। जब ये भाई बोले कि इसी फोल्डर को मैंने पहले भी देखा था, उसमें पेपर था नहीं, अभी मैंने प्रार्थना के लिए आंखें बंद किया तब ये फोल्डर मेरे आंखों के सामने आ गया और मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। मार्था और मरियम की कहानी केवल ये दो बहनों की नहीं, पूरे मानवता की कहानी है। हम ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, खोजते हैं, दर्द उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, और अंत में कहते हैं, प्रभु अभी कुछ तो बताओ। ये भी बुद्धिमानी हो गए तो बताएंगे, प्रभु को बताने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। जो बुद्धिमानी नहीं होते वो प्रभु को पूछते भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्था और मरियम की कहानी केवल दो बहनों की कहानी नहीं है, पूरे मानवता की कहानी है, आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हम बेवजह अपने बोझ को बढ़ाते हैं, बेवजह हम अपने बोझ को उठाते हैं। यीशु ने कहा, मेरा बोझ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु का बोझ क्या है? उसका बोझ सहज है, हल्का है। यीशु का बोझ है, उस पर विश्वास करो, उसके चरणों के पास बैठो, उसके बातों को सुनो, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा भारी बोझ दूर हो जाएगा। बेवजह हम अपने भारी बोझ को उठा रहे हैं, परेशानी को उठा रहे हैं, फिर रोते हैं, थक जाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाकर बोलते हैं कि उसने मेरे जीवन में कष्ट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बीमारी आ गई, कुछ परेशानी आ गई, हम तुरंत डर जाते हैं, 10 लोगों को पूछते हैं, ऐसा हुआ है क्या करना पड़ेगा, ऐसा हुआ है क्या करना पड़ेगा। क्या भूल गए कि हमारा सच्चा रखवाला कौन है? क्या भूल गए कि हमारा सच्चा परवाह करने वाला कौन है? उसके पास आओ, उसे पूछो।
वो आपको कहेगा, यदि वो आपको कहेगा आपके दिल में शांति आ जाएगी और आप विश्वास में बढ़ जाएंगे और बीमारी आपके जीवन में आपके शरीर में रुकेगी नहीं, आप परेशान नहीं हो जाओगे, थक नहीं जाओगे उस मार्था की तरह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है, पर यह जीवन तभी सुंदर रहेगा जब हम उस परमेश्वर से अपने जीवन के बारे में जानते जाएंगे, पूछते जाएंगे, उसकी योजना को, उसके मार्ग को समझते जाएंगे और उसके अनुसार करते जाएंगे, तब जीवन सहज बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, आसान बन जाएगा, आसान बन जाएगा। यदि हम उसकी ओर से सुनते नहीं है, जानते नहीं है, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ये ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, आप अपने ही दिमाग से चल रहे हैं, आपका बोझ बढ़ते जाएगा, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और अंत में परमेश्वर को दोष लगाओगे कि उसने आपके जीवन पर बड़ा बोझ दिया है। हालेलुया। यीशु कहता है एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात, एक ही बात। कौन सी बात? मरियम जो मेरे चरणों के पास बैठ रही है, बैठी है, मेरे वचनों को सुन रही है, मेरी बातों की ओर उसने अपने मन को लगाया है, ये जरूरी है। एक ही बात, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, अपने दिल की आंखों को और कानों को परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर से जान लो, उससे सीख लो, हर बार, हर वक्त, हर दिन परमेश्वर से सीखना शुरू करो, प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, आपने कोशिश किया, आप उससे बाहर नहीं आए, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो भी आपको कोई आवाज़ नहीं आई, तो आप बाइबिल को खोलो और बाइबिल को पढ़ो। आप कहोगे कि मेरा पेपर कहाँ गुम हो गया है, क्या ये बाइबिल में लिखा है? आप बाइबिल पढ़ते तो जाओ, ये दुनिया के कहानी की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का जीवित शब्द है जो हमसे बात करता है, जीवित परमेश्वर का जीवित शब्द है जो हमसे बात करता है। आप बाइबिल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, अचानक आपके अंदर एक प्रकाश आ जाएगा और प्रभु आपके रास्ते को खोल देगा। या तो प्रार्थना में आंखें बंद करो, बैठो प्रभु के सामने, प्रभु सिखाएगा। उसमें आपको कोई अगुवाई नहीं हो रही है तो बाइबिल खोलो और वचन पढ़ते जाओ, उसमें अगुवाई हो जाएगी। पर प्रभु दिखाएगा ही दिखाएगा, बताएगा ही बताएगा, प्रभु हमें उसके रास्ते को बताएगा, उसकी योजना को बताएगा, जिससे हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास बैठकर उसके उससे सुनना, जानना, उसकी योजनाओं को समझना सीख लो, ताकि हम भारी बोझ को उठाते परेशान ना हो जाए, चिंतित ना हो जाए, थक ना जाए, परंतु प्रभु के आसान बोझ को हम लेकर एक शांति से, सहजता से और सफलता से भरा हुआ जीवन बिता सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन आपको क्या हो गया था? मुझे 2023 में 20 अक्टूबर के दिन मुझे बुखार आया और मैं गई दवा खाना, तो दवा ली, वो दवा खाई तो मुझे वो दवा से पैर में, बाएं पैर में इन्फेक्शन हो गया था और घुटने से लेके पंजा तक पूरा फोड़ी फोड़ी जैसा हो गया था। तो मैं फिर पैर एकदम फूक के पूरा बहुत जाड़ा हो गया था, तो मैं अपने पापा के घर पे गई, तो वहाँ बोले कि तुम कभी शुगर चेक करवाई हो? तो मैं बोली नहीं। बोले ठीक है, तुम चेक करवाओ। चेक करवाई तो 301 शुगर था। तो डॉक्टर बोले ठीक है, मैं इसका इलाज करती हूँ, मैं देखता हूँ, अगर नहीं आराम होएगा तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो वो दवा देते, लेकिन बहुत भयंकर दर्द मतलब हो रहा था। तो डॉक्टर बोले कि मेरे पापा से कि आप एक काम कीजिए,
70-80 हज़ार रुपया तक सोमवार तक ले इंतजाम करो, और मैं देखता हूँ फिर प्राइवेट में मैं डालूँगा। तो मेरे पति यहाँ से गए तो आशीष का पानी लेके गए, तो उसी पानी से मैं अपने रुमाल से पैर को धोई तो सूजन कम हो गया। फिर इसके बाद में तो मैं शिविर में जाने के लिए मैं बहुत सोच रही थी कैसे मैं शिविर में जाऊँ, तो यहाँ से कैसे भी करके जब मैं धानों में शिविर में मैं वहाँ गई, तो जैसे ही मैं शिविर में वहाँ पहुँची हाल में और बैठी, और इसके बाद में बदर का कैसे लगा हुआ था, तो मैं इतना मुझे कमजोरी था कि मैं 10 मिनट 5 मिनट में मुझे बैठने को नहीं होता था, मैं सो जाती थी। और बदर का कैसेट मैंने एक घंटा देखी, और मतलब कुछ दोपहर हो गया 1-2 बजे, तो मैं एक बहन से, मेरे ऐसा लगता मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं एक बहन से बोली कि बहन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में कुछ दर्द नहीं है, ऐसा लगता मुझे कोई भी कितना लंबा दौड़ाए तो मैं दौड़ सकती हूँ। तो बोले ठीक है, तभी से दर्द नहीं था। और जख्म जब इस बुधवार के दिन वंदना बहन आशीष देती थी तो हाथ धर के बहन से बोले आशीष दिए, उसी दिन से जख्म धीरे धीरे मतलब ठीक हो गया, और जनवरी महीने तक पूरा ही जख्म मतलब एकदम ठीक हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप पहले का बताइए कि आपके पैर में कितना जख्म हो गया था। आप देख सकते हैं उनके पैर में ये जख्म हो गई थी जो कि पूरा पैर उनका छाले जैसा भर गया था। आपकी ऐसी हालत हो गई थी कि आप बिल्कुल चल नहीं सकते थे, इसे पकड़िए, ऐसी हालत हो गई थी कि आप बिल्कुल चल भी नहीं सकते थे। मैं एकदम नहीं चल पाती थी, या दीवार का सहारा लेके या छोटा लड़का था उसके कंधे पे हाथ पकड़ के मैं चलती थी, मुझसे नहीं चला जाता। अगर मैं चलती थी तो ये पैर में हाथ पकड़ के खड़ा हो जाती थी, और मुझे बहुत 18 रात मैंने कभी नहीं सोई थी, कि मैंने रात का कभी नींद नहीं लिया था। जिस दिन मैं वहाँ गई शिविर ली उसी दिन मेरा दर्द ख़त्म हो गया। तो मैं बहन से बोली कि बहन मैंने 18 रात मैंने सोई नहीं हूँ कभी रात को। बोली आज तुम सोओगी, जब दर्द चला गया तो सो। मैंने उसी दिन से पूरी रात सोती थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मतलब शिविर में जब आप गए तभी उस समय आप 18 दिन के बाद पहली बार रात को आपको अच्छे से नींद आई, उसके पहले आप 18 रात सोए ही नहीं थे। नहीं सोई थी मैं, 18 रात में जागती थी, इतना मतलब खींच खींच के बहुत दर्द करता था, पूरा पंजा एकदम ऐसा हो गया था, सूजन भी ज़्यादा चढ़ गई थी। पर प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने से सूजन खत्म हो गया, लेकिन चल नहीं पाते थे आप। चल नहीं पाती थी मैं। आप दिखाइए वो जगह, ये पैर का भाग है, ये भाग है, ये पूरा जख्म हो गया था। हाँ। और वहाँ पे बड़े बड़े फोड़े आ गए थे, फोड़ा आ गया था पूरा, लेकिन अभी आप चल सकते हैं, उस समय से जख्म सूख गई है। हाँ एकदम जख्म सूख गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी शुगर भी मैं चेक करवाई थी तो मतलब 68% था। डायबिटीज़ आपने चेक किया तो 68% आपका, 68 दिखाया डायबिटीज़। पहले आपका 301 हो गया था। पहले 301 था, कोई कुछ खाने नहीं देता था। मैं गांव में गई ना तो एकदम मनमान खाती थी, और चेक करवाई तो मेरा 68 आया था। अभी सब कुछ आप मनमानी खाते हो, और अभी रिपोर्ट निकाला है, पूरा रिपोर्ट भी अच्छा आ गया है आपका, और अभी आप चलते फिरते हो, घर का काम भी करते हो। सब काम करती हूँ, कुछ तकलीफ नहीं रहता है मुझे। भैया आप बताइए, आपकी पत्नी को जब ये सारी तकलीफ हो गई तो आपने तो देखा होगा। हाँ मैंने देखा था। वो चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते थे तो किसकी सहारा लेती थी, तो धीरे धीरे चलती थी। और जब आपने प्रार्थना का माध्यम उनको दिया तभी से पैर का सूजन खत्म हो गया। तब से धीरे धीरे प्रभु की दया हुई और धीरे धीरे सूखते गया, और शुगर भी इतनी बढ़ गई थी, लेकिन प्रभु का प्रार्थना करते थे और सिस्टर से आशीष ली, और तभी शुगर का लेवल 68% हो गया। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आपकी पत्नी को ठीक किया है। बहन जरा चल के दिखाइए, यहाँ पर वहाँ तक जाइए, आइए यहाँ पर। पहले आप पैर नीचे रखते ही नहीं थे जमीन पर। नहीं ऐसे पैर, मैं कुछ दूर तक जाती थी ये पैर हाथ में ऐसे लेके पकड़ लेती थी। मुझे बहुत चलने में बहुत तकलीफ होता था, चक्कर आ जाता था, मैं ऐसे सो जाती थी। लेकिन शिविर में जब आप गए थे तब उस समय आपकी ऐसी अवस्था थी कि आपको उठाकर एक पैर से पकड़ के आपको लाया गया था, इतनी हालत खराब थी। उसी रात आपको उसी समय जब ब्रदर का प्रवचन लगाया था तभी से आपको चंगाई होना शुरू हो गया। मैं उसी दिन मैं गई हाल में बैठी, जैसे ही ऐसा लगता मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं एक बहन से बोली कि मुझे कितना ऐसा लगता है कोई दौड़ाए तो मैं कितना दौड़ी, मेरे पैर में जरा से भी दर्द
दर्द नहीं है। आप दौड़ के दिखाइए यहाँ पर, वहाँ तक दौड़ के जाइए, आइए यहाँ पर। प्रभु ने आपको ठीक कर दिया, आपके पैर का जख्म भी सुखा दिया और आपकी डायबिटीज भी नॉर्मल हो गई है। सभी लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। माँ जी आपका नाम बताइए। राजकुमारी कलौजिया। और बीड़ी तंबाकू कब से खाते थे आप? 40 साल से। 40 साल से। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 70। 70 है। 40 साल से आप खाते थे, हर दिन खाते थे? हाँ, रोज रोज डेली खाते थे। बीड़ी भी खा पीते थे और तंबाकू भी? हाँ। तो कभी आपने कोशिश किया होगा, मतलब आपको? क्या नहीं छूटा। कैसी कोशिश करते थे? यहाँ आने से बाबा जी के पास छूट गया मेरा, यहाँ प्रार्थना में आने से छूट गया है। तो पहले आप जो कोशिश करते थे, मतलब क्या करते थे? फेंक दही उठाए के फिर वही पीने लगे। फेंक देते थे और फिर से वही उठा के पीने लगते थे, मतलब आप कोशिश करते थे पर छूटता नहीं था। 40 साल पीते थे हर दिन। और यहाँ पर 2 साल हो गए, अभी आप नहीं पीते? बुखार भी आता, जब से यहाँ से आए बुखार भी छूट गया, दवा नहीं खाते। बुखार भी पहले आता था लेकिन यहाँ पर आने से बुखार भी छूट गया। फाइव मलेरिया हमेशा होती है, साल साल भर में होता था, बाकी अब नहीं होता। अब नहीं होता और व्यसन भी छूट गया। अब खाती भी, और व्यसन भी आपका छूट गया है। 40 साल का तंबाकू और बीड़ी पीने का व्यसन, अभी बिल्कुल नहीं खाते, इच्छा नहीं होती। प्रभु का धन्यवाद हो गया, सब छूट गया, प्रभु ने छोड़ा दिया है। सब लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपको क्या हुआ था? मैं गुरुवार को ऑफिस जा रहा था और ऑफिस समुंदर के रास्ते जा रहा था और इतना जोर की हवा आई ना, मेरे हेलमेट का स्ट्रैप खुला था और इतना जोर का हवा आई कि हेलमेट उड़ने लगा। तो मैं अचानक उसको पकड़ने गया और मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और मैं बहुत स्पीड में था, 60-70 की स्पीड में था। तो मैंने प्रभु को पुकारा, तुरंत गाड़ी एकदम बैलेंस हो गई, प्रभु ने मुझे बड़ी दुर्घटना से बचाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अगली गवाही? अगली गवाही मेरी बेटी की है, इसको पैर में लगा था, गिरने से उसका पैर का हड्डी टूट गया था और उसको प्लास्टर लगा। हमने यहाँ प्रार्थना विनती भेजा, प्रभु ने प्रार्थना सुना और जब प्लास्टर हम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हड्डी ज़्यादा टूट गई है। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते रहे, प्रभु पे विश्वास था और प्रभु का धन्यवाद है कि प्लास्टर के द्वारा वो अच्छी हो गई है। बहन आपको क्या हुआ था? जिस दिन मेरी बेटी गिरी थी ना, उसी दिन मैं भी गिरी थी। मैं काफ़ी ऊंचाई से नीचे आई थी और नीचे आने के बाद मुझे भी मतलब मुक्के का मार बहुत लगा था, इतना कि मैं हाथ पैर ऊपर नहीं कर पा रही थी और मेरी बच्ची को लगा था। फिर हम लोग उसी हालत में हॉस्पिटल में गए, दो डॉक्टर इसको ऑपरेशन बोले थे, फिर हम तीसरे के पास लेके गए। पर उस समय हमने सबसे पहला मतलब वहाँ पे जो भी किया, उसके बाद सबसे पहला काम हम लोगों ने मतलब मेरी बहन के थ्रू, मेरे वाले बैलेंस बहन के थ्रू मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवाया कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा चोट लग गया है। तो मतलब यहाँ उसकी टीम ने प्रार्थना किया और बिना ऑपरेशन की मेरी बेटी ठीक हो गई और जो मुझे चोट लगी थी, मेरा ऐसा हाथ वगैरह ऊपर नहीं हो रहा था। तो गुड फ्राइडे के दिन हम वहाँ पीछे बैठ मतलब आए थे तो वहाँ पीछे बैठे थे, उसी दिन मुझे चंगाई मिल गई और मुझे प्रभु यीशु ने ठीक किया। और जो मेरी बेटी के पैर में जब मतलब बेटी का जो हड्डी टूटा था, डॉक्टर मतलब दो डॉक्टर तो मना किए, मतलब ऑपरेशन होगा, स्क्रू बैठाना होगा, ऐसा वैसा, 3 साल की बच्ची है। फिर हम लोग केम हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे भी डॉक्टर ने वही सेम बात बोला और इसको एडमिट कर लिया था। एडमिट जब इसको किए थे ना, तो मतलब बोलते हैं कि मतलब एक दिन के लिए रख लिया, फिर आधी रात के दिन मतलब उसी दिन शाम को बुलाते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। हम लोग जितने भी फैमिली के लोग थे काफ़ी डर गए कि मतलब ऐसा कैसे होगा, लेकिन हम उस वक्त भी प्रार्थना करते रहे कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है जैसा भी, हम प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे और प्रभु ने इसको ठीक कर दिया। तो इसका प्लास्टर कटने वाला था 6 हफ्ते में, बट वो 8 हफ्ते गया। जब 6ठे हफ्ते में हम गए तो डॉक्टर बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक भी होपफुल है, बिकॉज इसका जो मतलब एक्सरे में काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा था, जुड़ी हड्डियाँ जुड़ी नहीं दिख रही थी। फिर हम लोग ने शिविर किया था, प्लास्टर था पैर में तभी शिविर किया था। और उसके जिस दिन शिविर करके हम घर गए, उसी दिन मेरी बेटी पैर से ऐसे मतलब प्लास्टर में ही पैर नीचे रखना चालू कर दिया। शिविर करने के बाद ही प्रभु का अनुग्रह हुआ कि ये पैर मतलब कि रखना जमीन पर शुरू किया? हाँ, शिविर करके जाने के बाद ही इसने प्लास्टर था इसके पैर में, इसने पैर फिर भी पैर रखना इसने चालू किया, नहीं निकालो निकालो। तो जब इसका प्लास्टर कटा, सैटरडे के दिन गए, डॉक्टर ने खुद ही मतलब कुछ बोला ही नहीं, पहले इसका प्लास्टर ही काट दिया, ना एक्सरे किया ना कुछ किया कि देखो हड्डी जुड़ी है नहीं जुड़ी, प्लास्टर काट दिया सैटरडे। काटने के बाद फिर हम मतलब मुझे बोलता है कि ये लड़की मतलब 2-2.5 महीने तक, एटलीस्ट 3 महीने तक इसे दौड़ने मत देना, कहीं भागने मत देना, सिर्फ इसका हाथ पकड़ के चलाना, क्योंकि प्लास्टर काटने के बाद जो एक्सरे हुआ था उसमें भी इसकी हड्डी जुड़ी नहीं थी।
वो सब कुछ है हमारे पास, फोटो एक्सरे सब कुछ है, वो हड्डी जुड़ी नहीं थी इसकी। पर संडे को जब हम लोग प्रार्थना में आए थे तो ये उसका हाथ पकड़ के ही लाए थे, मतलब गोदी में उठा के हाथ पकड़ा, क्योंकि ये बैठती नहीं थी खुद से, चलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। ये जब चंगाई की प्रार्थना चालू थी तो वहाँ पीछे ये खुद से मतलब बिना सहारे का ऐसे खड़ी रहने लगी। मैं सिर्फ इसके पीछे खड़ी थी देखने के लिए, ये बिना सहारे का खड़ी रहने लगी, फिर धीरे से बैठने लगी, फिर धीरे से खड़ी होने लगी। चंगाई की प्रार्थना में ही इतने धीरे धीरे ये सब चालू कर दिया। जब प्लास्टर कटने के पहले शिविर लिए थे ना तो वे चलने लगी थी, और जब फिर सिस्टर ने जब इसको पूरा आशीष दिया उसके बाद ये अच्छे से भागने लगी, दौड़ने लगी, अभी कहीं भी जाती कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, फिर से एक्सरे हुआ, पूरी हड्डी एकदम अच्छे से जुड़ चुकी। इस बच्ची के ऊपर प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, दो से तीन महीना बताया था इसको बताया गया कि चलने में हड्डी जुड़ने में लगेगा और चलने में, लेकिन दो हफ्ते के अंदर प्रभु ने अद्भुत तरीके से इसे चंगा किया है। अब ये बेटी चल सकती है। बेटा जरा चलो यहाँ से दौड़ के जाओ, दौड़ो आगे आओ, ये देखिए इस बेट, आगे दौड़ के जाओ, आगे दौड़ के जाओ, आगे दौड़ के जाओ, दौड़ो आगे जाओ। ये बेटी जो कि दो हफ्ते में चलने लगी, प्रभु ने अद्भुत काम किया, इसके पैरों की हड्डियां जुड़ गई है, जख्म भी भर गए, अब अच्छी तरह से चल सकती है, दौड़ सकती है, खेल रही है। प्रभु ने अद्भुत काम किया। हम लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। ब्रजेश यादव है। पहले मैं क्या करता था, मैं धंधा करता था, 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन हमको बहुत तकलीफ होता था। कौन सा धंधा करते थे? फल का धंधा करता हूँ। 20 साल से करते थे? 20 साल से। जब भी मैं दुष्ट आत्मा हमको बहुत तकलीफ देता था, बार बार मैं फ़ोन करता था ओझा लोग को, तांत्रिक लोग को, तो लोग बोलते मैं ठीक है, मैं देखता हूँ ठीक हो जाएगा। तो देखते थे, थोड़ा ठीक होता था, फिर दो चार घंटे बाद फिर वैसे हो जाता था। अभी मैं जब 5-6 महीने से प्रभु के दरबार में आया तो हमको प्रभु, जब भी मैं प्रार्थना करने लगा तो आँख खोलिए, प्रार्थना करने लगा तो फिर मैं अभी किसी तांत्रिक को फ़ोन नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रभु को ही मैं बोलता हूँ कि प्रभु तू ही देख, मैं नहीं देखूँगा। आँख खोलिए, आँख खोलिए। आप बता रहे हैं कि आपका फल का धंधा है, 20 साल से आप फल का धंधा करते हैं, और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत कष्ट होता था हमको, बहुत दुष्ट आत्मा हमको इतना तकलीफ देता था कि हमको मतलब कुछ ना कुछ मार्केट जाने के लिए सोचता था, मैं सो जाता था, जाता ही नहीं था। मतलब इतनी आपको समस्या हो गई थी, 20 साल से ये तकलीफ को आप झेल रहे थे। आपको प्रभु में आए 5 महीना हो गया, मतलब प्रार्थना सभा में आए, ब्रदर ने बोला चल तू उधर और सब समस्या तेरा दूर हो जाएगा। अभी मैं प्रभु जी को प्रार्थना करता हूँ तो आँख खोलिए। अभी 5 महीने से आपके जीवन में क्या बदला हुआ है वो बताइए। अभी हमको बहुत, हमको अभी शांति हो गया है, शांति मिल गया, शांति मिल गया, मेरा धंधा भी चलता है। अब प्रभु जी से मैं तकलीफ होता तुरंत घुटना टेकता हूँ और प्रभु जी मुझे तुरंत देखने, तुरंत तकलीफ से दूर करते हैं। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव प्रमिला गुणगुणा, मी कामनवरून आली। आणि काय साक्षी आहे तुमची? माझी साक्षी अशी आहे का 2022 जेव्हा मी इथं प्रार्थनेसाठी आलो तेव्हा माझे का पैसेच नाही राहायचं, प्रार्थनेला आलो तरी पण थोडंफार पैसे असायचं, त्याच्यामध्ये मी प्रार्थनेला यायचो। आणि तसा करता करता मी विनंतीमध्ये पेटी चिठ्ठी लावून लिहून टाकली ना, जे काय पैसे माझे का होतं ते मी इथं दानपेटे होते ना त्याच्यान मी दान केला, लढत लढत देवाला सांगायचो का देवा जे काय माझे का हान ते मी तुला दान करतो, असं मी लढत लढत दान टाकला मी ना। माझ्या नवऱ्याला काम पण मिळत नव्हता, म्हणजे काम मिळायचा पण असं 10-15 दिवस भरलं का कामच त्यांचा बंद व्हायचा। तर जेव्हा माझ्या नवऱ्याचा आता म्हणजे माझा नवरा कामाला लागलं, जेव्हा जेव्हा माझ्या नवऱ्याचा पगार होते ना तेव्हा तेव्हा मी प्रार्थनेला, मी प्रार्थनेला हमेशा येतो, पण पगार झाला ना का मी विनं दानपेटीमध्ये दान टाकतो, दर महिन्याला टाकतो दान जेव्हा पगार झाला तेव्हा। तर आता माझे का सगळा खर्च करून ना माझे का पैसे उरलं, माझे का पैसे म्हणजे जमा झालं। माझा नवरा बोलला तुझे का पैसे एवढे कुठूनचं, एवढी वर्षा मी काम केला तर तुझे का पैसे राहत नव्हतं, आपल्यानं घर खर्चायलाच पैसे नाही, मग तुझे का आता एवढे कुठूनचं पैसे। मी माझ्या नवऱ्याला सांगितलं का मी देवाजवळ विनंती करायचो का देवा माझे जो नवऱ्याचा जो पगार येत आहे ते
ते त्याच्या हातापायाला ताकद तू दे काम करण्यासाठी, आणि म्हणून देवाने आपल्याला हे पैसे दिले लहान, पण मी देवाला विसरली नाही, मी देवाला दान चालूच आहे माझा देवाला दान करणे, आणि त्यामुळे देवाने असे भरभराहट केली की सर्व घरातला खर्च करून सुद्धा तुमच्याकडे पैसे आता शिल्लक राहतं. माझे का आता शिल्लक पैसे राहतं. प्रभूने आशीर्वाद पाठवलेला आहे आणि तुमच्या नवऱ्याला चांगली नोकरीही मिळालेली आहे. नोकरी मिळले, चांगला काम पण मिळलं आहे. आता त्याला शेतीचं काम करायला पण टाइम नाही भेटत, एवढा चांगला त्याला देवाने नोकरी दिलेली आहे. आणि पुढची काय साक्षी आहे तुमची? पुढची माझी साक्षी आहे का, शुक्रवारी म्हणा एवढे जुलाब झालं ना, एवढे जुलाब झाले, 3:30 वाजल्यापासून म्हणा जुलाब झालं. मी रात्रीचे 3:30 पासून, रात्रीचे 3:30 वाजल्यापासून म्हणा जुलाब झालं. एकदम मी एकदम अशक्तच झालो. माझ्या नवऱ्याला सांगितलं की म्हणा जाम जुलाब झालं, मी आता काय करू, तर ते बोललं की दवाखान्यात जा, नाही तर गोली तरी आण. पण तुम्ही प्रार्थना माध्यमाचा वापर केला, तर मी गोली पण खाली. प्रार्थना माध्यमाच्या वापराद्वारे आता तुम्हाला बरं वाटते, तेव्हापासून जुलाब नाही झाला. मी इथूनचा नेलेला पाणी पित राहिलो, पाणी तेल लावत राहिलो, ना मी 3 वचना बोलत राहिलो, त्याच्याद्वारे तुम्ही देवाने तुम्हाला बरं केलं आहे. सर्वांनी मोठ्याने डाळ्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. इस बहन का नाम प्रमिला गुनगुने है. वो बता रही कि 2022 में उनके पास पैसों की बहुत तंगी रहती थी, घर खर्चा के लिए भी ठीक से उनको पैसा नहीं रहता था, और प्रार्थना में आना होता था तो वो जैसे तैसे करके पैसों में एडजस्ट करके वो प्रार्थना में आती थी. पर एक बार वो यहाँ प्रार्थना में आई और उन्होंने उनके पास जितना पैसा था उन्होंने वो पैसा प्रभु को दान कर दिया, और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि जो भी है मेरे पास वो मैं तुझे देती हूँ, अभी तू मेरे घर को संभाल लेना. प्रभु की कृपा ऐसा हो गया कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, उन्होंने विनंती लिखकर विनंती पेटी में भी डाली, जिससे अभी उनके घर में पैसों के आशीष आ गए हैं, जिसके द्वारा उनके पति को काफ़ी समय से अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी. 10 दिन या 15 दिन ही नौकरी करते थे, उसके बाद उनका काम छूट जाता था, उनका काम में मन नहीं लगता था. पर उनको उनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने ऐसा काम किया कि उनके पति को अच्छी नौकरी मिल गई है, और उनके घर में अभी पैसा भी बचता है. घर का सारा काम करने के बावजूद उनके हाथ में पैसा टिकता है, और वो प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी है. और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि गए सप्ताह में उनको जुलाब शुरू हो गया, रात को 3:30 बजे से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, कमजोरी आ गई, पर उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु का अनुग्रह हो गया, उनका जुलाब रुक गया है, उनकी कमजोरी निकल गई है. इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. इस बहन का नाम गोबीबाई चौहान है. ये इसे एक हफ्ते से सर में बहुत दर्द होता था, इसलिए उन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु की दया से उनका सर दर्द निकल गया है. इसके अलावा इस बहन की गवाही है कि कल से बायां हाथ ऊपर नहीं जाता था, उसी हालत में ये आज प्रार्थना सभा में आई, और जब यहाँ पे चंगाई की प्रार्थना शुरू थी तब इस बहन ने विश्वास से उस अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखा, उसी क्षण एक बहन सामर्थ्य से उनके ऊपर गिर गई, और उसी वक्त इस बहन को महसूस हुआ कि उनके हाथों का दर्द निकल गया है, और हाथ अभी पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है. इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. बहन आप बताइए कि प्रार्थना के वक्त क्या हुआ, आपका हाथ एक दिन से का 6 बजे से ऐसा ही दर्द हो रहा था, ऐसा ऊपर भी नहीं हो रहा था, ताली बजाने के लिए भी नहीं हो रहा था. कितना हाथ ऊपर होता था? इतना हो रहा था, इतना से ऊपर नहीं हो रहा था, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता था, दर्द हो रहा था. तो अभी लास्ट का चंगाई का प्रार्थना था तो विश्वास से हाथ रखी, और एक बहन सांबर से मेरा ऊपर गिर गया, तभी अभी हाथ एकदम ऊपर होता है, कुछ भी नहीं दर्द हो रहा है. अभी कुछ दर्द नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है. प्रभु ने आपको चंगा किया? चंगा किया. सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. भाई अपना नाम बताओ. मेरा नाम सुनील राजभर है. मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, उनको ठंडी के मौसम में उनको प्रॉब्लम हो गया था, उनका किडनी सूख गया था और लीवर में सूजन हो गया था, और उनको हार्ट का प्रॉब्लम था. तो मैंने यहाँ से घर पे गया और प्रभु जी से मैं प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे पिताजी को अच्छा कर दो. तो यहाँ से भी जो है मैं तेल लेके गया था, तो पिताजी को जो है तेल लगाया और प्रार्थना किया है, प्रभु जी अच्छा कर दीजिए. आज अभी 5 महीना से परेशान थे, तो अभी 2 महीना हो गया, अभी सही है. इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ. मतलब कि ये जो सारी तकलीफ हो गए थे, दवाखाना ले गए, लेकिन इतना तकलीफ मालूम पड़ गया, समस्या इनको ज़्यादा हो गया है. हाँ, दवा कितना भी दवा कराते थे वो दवा काम नहीं करता था. मैं इधर भाई लोगों से मैं प्रार्थना करवाता था प्रभु जी से कि मेरे पिताजी अच्छा हो जाएं. अभी ये 2 महीना से पूरी तरह से आराम है,
इसके लिए मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम बताइए। मोतीलाल भारती। आपको क्या हुआ था? अरे अभी हुआ था कमर में, ये पुट्ठे पर कम से कम 5-6 महीना से हमको दर्द हो रहा था। ऐसे बैठने में बैठता था तो बहुत दर्द होता था, बैठ नहीं पाता था, लगभग 5 मिनट नहीं बैठ पाता था, बहुत दर्द होता। तो मैं 9 जून को आया था यहाँ, और सिस्टर जी जो वचन बोली 3 वचन, वो वचन बोला मैंने, उसी के साथ में ठीक हो गया। यानी कि चंगाई के वचन बोलते बोलने के लिए सिस्टर ने बताया, आप वहाँ पे कमर पे हाथ रख के आप वचन बोले? बोले। उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ गवाही देने के लिए। अभी दर्द नहीं होता है? दर्द नहीं होता है। जरा बैठ के दिखाइए। ऐसे आप नहीं बैठ पाते थे उस समय? नहीं, 5 मिनट नहीं बैठ पाते थे। 5 मिनट बैठना आपको मुश्किल हो जाता था? अभी अब तो घंटन बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से इन्हें चंगाई दी। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। ईशा जायसवाल। आपकी गवाही बताइए लोगों को। मेरा हाथ दुख रहा था 3-4 महीना से, अभी आराम है। 3-4 महीने से आपका हाथ दर्द करता, लेकिन आपने क्या किया? ये प्रार्थना किया, तेल लगाया, अच्छा हो गया। आपने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया तो अभी हाथ ठीक हो गया है। हाथ ऊपर नीचे होता था आपका? अभी आपको हाथ में दर्द नहीं है? नहीं। और आपकी दूसरी गवाही क्या है? मेरा दांत दुख, कितना दिन से ब्रेड निकलता था, अभी ठीक है। कितने साल से वो आपको तकलीफ था? 20 साल से तकलीफ था। 20 साल से आपके दांतों में से दर्द, ये खून आता था? हाँ, अभी ठीक है। प्रार्थना, तेल लगाई, प्रार्थना की, अच्छा हो गया। आपने क्या किया? विश्वास से प्रार्थना की प्रभु के पास, और प्रार्थना विनती भी आपने प्रभु के पास रखी। चिट्ठी भी लिख के डालती थी ब्रेड। और अभी कितना समय हो गया खून आना बंद हो गया? अभी 3-4 महीना हो गया, ठीक है। अभी 3-4 महीने से खून नहीं आता है, और आप बोल रहे कि आपके दांतों का दर्द, खून बंद हो गया, लेकिन दर्द था? था, मगर वो भी ठीक हो गया अभी अभी। मतलब अभी की प्रार्थना सभा में, चंगाई की प्रार्थना में आपने विश्वास से भाग लिया, उसी क्षण से दर्द भी निकल गया? दर्द भी निकल गया। प्रभु ने आपको 20 साल से जो खून आता था दांतों से, वो पूरी तरह से निकाल दिया है? निकाल दिया है, एकदम अच्छा हो गया मैं। प्रभु ने आपको चंगा किया। बहन आपका नाम बताइए। निशा मिलिन पगार मेरा नाम है। और आपको क्या हुआ था? मेरे हाथ में 3 महीने से फोड़ी थी, और उसका मुंह भी नहीं आ रहा था, वो फूट भी नहीं रही थी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को, काम करने भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। मैं प्रार्थना में आई, और प्रार्थना माध्यम से मैं तेल भी लगाया, प्रार्थना में आई, विश्वास से आई, दूसरे दिन घर गई तो मेरा फोड़ी फूट गया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह को। कहाँ पर हुआ था आपको? मेरे को हाथ पे हुआ था, इस वाला हाथ पे, तो उसमें बहुत दर्द दे रहा था, सूज गया था। और कितना बड़ा फोड़ी था? इतना बड़ा फोड़ी था मेरे को, इतना बड़ा था। और आपको काम करने में वगैरह बहुत तकलीफ होती थी? दिक्कत हो रहा था बहुत, हाथ काम नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु की कृपा से फोड़ी फूट गई और नष्ट हो गई। हाँ, नष्ट हो गई। और मैं तेल लगाया, प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम से मुझे अच्छा हो गया, चंगाई मिली प्रभु यीशु के वजह से। और आपके बेटे को क्या हुआ था? मेरे बेटे को हाथ फ्रैक्चर हुआ था, खेलते खेलते वो गिर गया था, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं था दवाखाना जाने के लिए, तो मैं विश्वास से आई, इधर प्रार्थना ली, चंगाई की प्रार्थना की सिस्टर ने, इसलिए मैं वो प्रार्थना से मेरे बच्चे को पूरा चंगाई दिया, और घर जाते जाते पूरा नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था वैसे हो गया। इसलिए उसको दर्द भी बहुत होता था? दर्द हो रहा था कि उंगली भी हिला नहीं सकता था, इतना दर्द था उसको, बहुत रोता था, बहुत परेशान कर रहा था वो, इसलिए मैं इधर प्रार्थना में लेके आई उसको। मतलब वो उंगली तक हिला नहीं सकता था, लेकिन आपने विश्वास से प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु यीशु की दया उस पर हो गई, और उसके हाथ का दर्द भी निकल गया, और हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ। बहन आपका नाम बताइए। उषा गुप्ता। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे बाएं कान में 6 महीना से दर्द कर रहा था, और पीछे साइड मेरा जो गर्दन के पीछे, मैं सो नहीं पाती थी, रात को डबल तकिया करके ही सोती थी, एक तकिया लगा के सोती थी, तो मुझे बहुत दर्द होता था, अच्छा नहीं लगता था, एकदम सोने को नहीं होता था कि मैं सो सकूं, जब तक डबल तकिया नहीं करती थी। तो अगले हफ्ते सिस्टर चंगाई की जब प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं विश्वास से अपने कान पे और गर्दन पे हाथ रखा, तो मुझे उसी समय लगा कि मेरा वो चंगाई हो गया है, लेकिन मैं उस समय नहीं गवाही नहीं दी, लेकिन आज मैं आके गवाही दे रहा हूँ, मुझे उस दिन से अभी तक कुछ दर्द नहीं है, आज एक ही तकिया लगा के सोती हूँ, और कान में भी कोई तकलीफ नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ।
मतलब आप बोल रहे हो कि छः महीने से ऐसी समस्या थी कि आप ना सो सकते थे अच्छे से और आपको दर्द होता था गर्दन में? मेरे को दर्द होता था, गर्दन में बहुत दर्द होता था, एक तकिया लगा के तो मैं सो ही नहीं सकती थी, ऐसा था मुझे। और जिस दिन आप प्रार्थना सभा में आए, जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हुई थी, तब प्रभु का स्पर्श आपको हो गया और उसी वक्त आपका दर्द निकल गया? हाँ, मेरा उसी वक्त अगले ही संडे को दर्द निकल गया था, लेकिन मैं आज गवाही दे रही हूँ। और अभी आप गर्दन यहाँ वहाँ मोड़ते हो तो कोई दर्द नहीं होता? दर्द नहीं है। कान में भी कोई दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द नहीं है, कान में भी कोई दर्द नहीं है। प्रभु यीशु ने इस बहन को चंगा किया है, इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ताई, तुमच्या घरची काय समस्या होती? माझ्या घरामध्ये म्हणजे गोम घुसायचे, ते फास्ट चालणारे मोठे, हिंदीमध्ये काय बोलतात मला माहिती नाही, पण ते माझ्या घरात घुसायचे असे ना 6 महिने यायचे, म्हणजे जेव्हा पण झोपायचो कपड्यात अंगात, रात्रीचे 3 वाजले 4 वाजले लाईट लावून आम्हाला ते म्हणजे मुलगा पण झोपलेला असला सर्व आम्ही उठायचो, एवढं अंगात एवढे यायचे ते, कमी जेव्हा झाडू मारायची तरी पण इकडे तिकडे मी परेशान झाले 6 महिने। आणि मग माझ्या मनामध्ये एक इच्छा होती की मला घरामध्ये, 3 वर्षापासून मी क्रूस बघत होते, पाहिजे होता मला घरामध्ये, मी बोले देवा मी क्रूस पाहिजे, मला क्रूस दे घरात लावायचे, म्हणजे एक इच्छा होती, वचन लावलेले होते पण तरी पण क्रूस पाहिजे होता। आणि 25 डिसेंबरला मला त्याच रात्री स्वप्नामध्ये मोठा असा क्रूस दिसला, आणि मी सकाळी इकडे आली, मी ते क्रूस बघितलं स्वप्नात, तर मी बोललो देवा मी मागते म्हणून मला दाखवलं असेल। आणि मी 25 डिसेंबरच्या टायमाला तिथे बसलेली होती, आणि मग सिस्टरनी सगळं झाल्यानंतर सिस्टरने अलाउन्स केला का आज तुम्हाला क्रूस देणार आहे, आणि मला एवढी खुशी झाली का देवा मला 3 वर्षापासून क्रूस पाहिजे होता, ते क्रूस म्हणजे मी तुझ्याकडे मागत होती तो बरोबर तुम्ही मला आपल्या आशीष प्रार्थना घरमध्येच दिला। म्हणजे तुमची इच्छा देवाने पूर्ण केल्याने पुढे काय घडलं? मग ते क्रूस लावलं ना, ते घरात एक लावलं एक आतमध्ये लावलं, तर ते गोम जे होतं ना ते कोम पण आणि एक साप पण आलेला, ते कारण की माझा जो दरवाजा आहे ना तो म्हणजे खालून फट आहे त्याला, ते निघते ते लावू देत नाही, आणि त्याच्यामधून एवढे गोम येत होते आणि एक मोठा एक साप पण आलेला। त्याच्यानंतर मग क्रूस लावल्यापासून ते गोम गरमी सुरू झाली का मला वाटलं आता येणार, पण तो क्रूस लावून आता मला 25 डिसेंबरपासून लावलेला, त्यापासून आत्ता परत ना तो गोम म्हणजे ते गोम काय ते काय साप काय म्हणजे कुठलीच किडे येत नाही, म्हणून मी देवाला धन्यवाद देते, आणि मला क्रूस पाहिजे होतं ते पण भेटलं, म्हणून देवाने तुमची इच्छाही पूर्ण केली। सर्वांनी मोठ्याने डाला वाजून प्रभु येशूला धन्यवाद द्या। ये बहन बता रही कि उनके घर में करीबन 6 महीने से गोजर निकलता था और उनके बदन पर, उनके कपड़े पर, बच्चे के कपड़े पर हमेशा कहीं भी रात को चढ़ जाता था, उनको निकालना पड़ता था। और उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि उनके घर में उनको क्रूस लगाना था पर वो उनको नहीं मिल रहा था। 25 दिसंबर के समय वो रात को उन्होंने सपना देखा कि उनको बहुत बड़ा क्रूस दिखाई दिया, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी इच्छा है इसलिए प्रभु ने मुझे दिखाया है। पर उस समय जब ये प्रार्थना में यहाँ पर आ गए तब यहाँ से बताया गया कि आज आपको क्रूस दिया जाएगा, उनके दिल में आनंद हो गया, वो क्रूस वो घर पर जाकर उन्होंने लगाया। उस समय से प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, जो 6 महीने से उनके घर में गोजर निकलता था और एक बार सांप भी आया था, उस समय से वो सारी चीजें बंद हो गई है, वो जो कीड़े मकोड़े निकलते थे वो सब आना बंद हो गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम ज्ञानती कनोजिया है। इनकी गवाही है कि 5 महीने पहले अचानक से इनके मुंह से खून दो दिन खून आते रहा। इसके अलावा इनके किडनी में उन्हें दर्द महसूस होता था। इन दोनों समस्या के लिए उन्होंने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा प्रभु की दया उनके ऊपर हो गई और उनके ये दोनों दर्द और तकलीफ प्रभु यीशु ने निकाल दिए हैं। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा इस बहन का भाई के बहू को प्रस्तुति के समय के वक्त डिलीवरी हो नहीं रही थी, इसलिए इस बहन ने विश्वास से प्रार्थना विनती लिखकर प्रभु यीशु के चरणों के पास रखा, उसके द्वारा प्रभु ने इस भाई बहन की प्रार्थना को सुन लिया और उस बहन को अच्छा लड़का देकर प्रभु ने आशीषित किया है। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तेरी गवाही क्या है? मुझे इधर एक छोटा फोड़ी हो गया था, तो उसको मैंने फोड़ा तो बढ़ते गया तो सूख रहा नहीं था फोड़ी, और मतलब उसमें से खून और पस भी निकलता था, और उसके बाद वो फोड़ी पकने लगा और बड़ी होती गई। तो मैंने उस पर तेल भी लगाता था, प्रार्थना करता था प्रभु के पास, और प्रेयर मीटिंग के टाइम सिस्टर से मैंने आशीष लिया, सिस्टर को अपनी समस्या बताई कि फोड़ी सूखती नहीं, सिस्टर ने इस पर हाथ रख के आशीष दिया, और उसी टाइम मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक मतलब वो बाहर भी निकल गया था ऐसा,
तो मैंने आशीष लिया, तब अंदर चली गई और अभी सूख गया है फूडी, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग जोर से ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम श्यामला बिंद है। ये बताती है कि 15 दिन पहले किचन में खाना बनाते वक्त अचानक से गरम दाल उनके बाएं हाथ पर गिर गई और उनके पाँव पर भी गिर गई, जिसके द्वारा उनके हाथों में फोड़ी और घाव हो गए थे। उन्हें बहुत दर्द होता था। उन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा उनके हाथों का दर्द और वो फोड़ियाँ नष्ट हो गई। इसके अलावा इस बहन की गवाही है कि जब वो गांव गए थे और गांव से यहाँ पे मुंबई में आ रहे थे ट्रेन से, और ट्रेन से उतरने के बाद एक भाड़ी के रिक्शा से वो यहाँ पे प्रार्थना घर में आ रहे थे, लेकिन तभी उनको पता चला कि उनका मोबाइल कहीं गिर गया है। उनको पता चला कि उनका मोबाइल घर पर रह गया है, ऐसा उनको लगा। लेकिन उस वक्त ये बहन प्रभु के पास रोकर प्रार्थना करने लगी कि उनका मोबाइल उन्हें मिलना चाहिए। और जब ये बहन रिक्शा में बैठकर यहाँ पर आ रही थी, उसी घर पर आ रही थी, तभी उसी वक्त उनको उनका मोबाइल रिक्शा में ही मिल गया है। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आप सामने देखो, आपके कौन से हाथ में जख्म हो गया था दिखाओ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब दाल गिरा था तो पूरा जलन हो रहा था, और इसमें कोलगेट लगाई तो लाल हो गया। फिर उसके बाद सब लोग बोलने लगे कि दवा ले लो दवा। मैं आपने क्या किया उसके बाद? मैं उसके बाद प्रार्थना आशीष का तेल ले गई थी और उसको डेली लगाती थी। डेली लगाते लगाते अभी 8 दिन हो गया, पूरा एकदम ये देखो पूरा साफ हो गया, नहीं तो पूरा काला हुआ था और फोड़ी आ गई थी। प्रभु के आशीष के द्वारा और डेली प्रार्थना करती थी और चंगाई का वचन बोलती थी ऐसे हाथ रख के, और घर में प्रार्थना के समय वचन बोलते थे, और अभी मेरा घाव पूरा सूख गया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये सारे बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार की समस्या हो गई थी। इसके अलावा ये जो बच्चा है इसके दाएं सर के गर्दन में गिल्टी जैसा हो गया था और इसको गर्दन घुमाने में भी दर्द हो रहा था। इस सारे बच्चों ने प्रभु से घुटना टेक कर प्रार्थना की और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इन सारे बच्चों पर हो गई और इन बच्चों की जो समस्या थी सर्दी खांसी और बुखार की जो बीमारी थी वो प्रभु यीशु ने निकाल दी है। इसके अलावा इस बच्चे की जो गले में जो गिल्टी थी वो गिल्टी भी और जो दर्द भी था वो दर्द भी निकाल दिया है। प्रभु यीशु ने इन सारे बच्चों को चंगा कर दिया है, इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। हरी चरायों में हमें चराता।
गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है आ, 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 क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आ, 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 अब तो किसी का हमको डर नहीं है आ, 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 क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आ, 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 यीशु है सच गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुसे धन्यवाद तुसे धन्यवाद तुसे धन्यवाद। देखो अपने महान प्रभु यीशु की ओर, अपनी आंखें बंद रखो और आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है, वो यहाँ पर है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं, जो हमारा निर्माता सृष्टिकर्ता जीवनदाता है, जो हमसे सच्चा प्रेम करता है। अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी परवाह करता है। आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ संकट दुख समस्याएँ आपकी गरीबी आपका कर्जा सारा बोझ प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि उसने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमें विश्राम देता है। जब हम अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल देते हैं, वो हमें विश्राम देता है। उस पर विश्वास करो, क्योंकि उसी ने हम पर सच्चा प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि हमारे खातिर वह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, परमेश्वर होकर इंसान बना, हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, सारे श्रापों से मुक्त करने के लिए, पापों से शुद्ध करने के लिए और हमें स्वर्ग का अनंत जीवन दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। उसने हमारे पापों को उठाया, हमारी बीमारियों को उठाया, हमारा सारा बोझ उठाया और हमारे खातिर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं, उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम जैसे पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा जाता है, ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। प्रभु के इस अनमोल प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करो। उसका प्रेम आसमान से भी ऊंचा है, समुन्दर से भी गहरा है। जो उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, कभी फजीत नहीं होता है, क्योंकि वह विश्वास से योग्य है। प्रभु सच्चा है, किसी को फंसाता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को त्यागता नहीं है। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ और दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू जिंदा है,
तुझे धन्यवाद, तूने मुझे क्षमा किया, मुझे चंगा किया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। और अभी प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो, प्रभु के लिए अपना हृदय साफ करो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, आज उन्हें क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, हमें सबको क्षमा करनी चाहिए, हर दुश्मन को भी क्षमा करना है। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद, घर के कोई भी लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी या और कोई लोग होंगे, या आपका कोई बड़ा दुश्मन होगा, आज उन्हें क्षमा करो। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। क्षमा करो, क्षमा करो। सारा गुस्सा, सारी नफरत अपने अंदर से निकाल डालो। टच, टच, टच। और अभी अपने खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। प्रभु यीशु सब जानता है, आपके जीवन के गुप्त पाप भी वो जानता है, और इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश ना करे। नम्रता से सब कबूल करो, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, किसी को गालियाँ दी, निंदा की, झूठ बोला, मजाक उड़ाया, कबूल करो। आपके सारे अधर्म, बुरे काम कबूल करो। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दूसरों को फंसाना, लूटना, अन्याय करना, स्वार्थ, अहंकार कबूल करो। बहनों, यदि आप पति के अधीन नहीं रहती है, भाइयों, आप पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, आपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया होगा, बच्चों, यदि आप माँ बाप की सुनते नहीं है, शराब पीकर या किसी नशीले चीज के सेवन के द्वारा आपने खुद का और अपने परिवार का नुकसान किया होगा, कबूल करो अपने पाप। आपके जीवन के ऐसे पाप जो आपके घर के लोग नहीं जानते हैं, गुप्त पाप, वो भी कबूल करो। और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाओ, पश्चाताप करो। अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। पापों के लिए आंसू बहाओ, प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। टच, टच, टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास,
हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने लहू बहाया है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले उसके पवित्र लहू की ओर देखो। अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर मुझ पर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहां बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीजों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीजों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए।
हाथ नीचे करो। अभी हम आत्मा की मुक्ति की यानी उद्धार की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज यीशु को ग्रहण करके आप अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं। सभी